नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के सन 2000 से लेकर 2023 तक 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ और 7.5 करोड़ रुपए जीतने वाले सभी प्रतिभागी पहले करोड़पति हर्षवर्धन नवाते से लेकर सीजन 15 यानी 2023 तक बने करोड़पति के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। यानी अब कैसी है केबीसी के विजेताओं की जिंदगी, सभी करोड़पति का कल और आज का कड़वा और मीठा सफर के बारे में इस वीडियो में डिटेल जानकारी आपके सामने पेश करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही लाइक कमेंट्स करना ना भूले। तो वीडियो बिना स्किप किए अवश्य देखें। कौन बनेगा करोड़पति शो में आकर कई लोग करोड़पति बन चुके हैं, जहां कुछ लोग जीती हुई रकम से नए बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं, वही कुछ ऐसे भी है जो सारे पैसे गवा कर फिर तंगहाली में जीवन बिता रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कर रहे हैं पिछले 1 से लेकर 15 यानी सभी सीजन के करोड़पति। तो आपके सामने पेश है साल 2000 में केबीसी के पहले सीजन में हॉट सीट पर बैठे मुंबई के हर्षवर्धन नवाते महज 27 साल के थे। हर्षवर्धन पहले सीजन ही नहीं बल्कि कौन बनेगा करोड़पति शो के इतिहास के पहले करोड़पति है। शो में आने से पहले हर्षवर्धन सिविल सर्विस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शो जीतने के बाद फेम मिलने से वो परीक्षा में नहीं बैठे। जीती हुई राशि से हर्षवर्धन ने यूके की यूनिवर्सिटी के एमबीए की पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। फिलहाल केबीसी के पहले विजेता हर्षवर्धन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में मुंबई में काम कर रहे, लेकिन आईएएस बनने का उनका सपना अधूरा रह गया। ये है केबीसी जूनियर के पहले करोड़पति रवि सैनी। साल 2001 में कौन बनेगा करोड़पति जूनियर में हिस्सा लेने वाले राजस्थान के रवि सैनी ने अपने नॉलेज के हर किसी को हैरान कर दिया था। रवि ने सभी 15 सवालों के सही जवाब देते हुए 1 करोड़ रुपए जीते थे। जूनियर केबीसी में आए रवि उस समय महज 10वीं के स्टूडेंट थे। बड़ी जीत हासिल करने के बाद रवि ने अपनी ज्ञान भंडार से सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। फिलहाल रवि सैनी पोरबंदर गुजरात में आईपीएस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। ये है ब्रजेश दुबे, केबीसी के दूसरे सीजन के एकमात्र करोड़पति। इन्होंने 1 करोड़ की धनराशि जीती थी। वह उस सीजन के एकलौते करोड़पति थे। मध्य प्रदेश में ये फिलहाल अपना सामान्य जीवन बिता रहे हैं। ये है राहत तस्लीम, मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली झारखंड की राहत तस्लीम कौन बनेगा करोड़पति के 4वें सीजन में आई थी। जिस समय शो में उनका सिलेक्शन हुआ तब वो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी में जुटी हुई थी। करोड़पति बनने के बाद राहत ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और झारखंड के गिरिडीह में अपना गारमेंट बिजनेस खड़ा किया। आज राहत एक शानदार गारमेंट शोरूम की मालकिन है। राहत को 1 करोड़ रुपए के साथ आज़ादी और देश भर में पहचान भी हासिल हुई। राहत केबीसी के इतिहास में 1 करोड़ जीतने वाली पहली महिला थी। अगले करोड़पति है सुशील कुमार। असल जिंदगी के स्लम डॉग मिलेनियर बिहार के सुशील कुमार की रातों रात किस्मत तब खुली जब उन्होंने केबीसी के 5वें सीजन में 5 करोड़ रुपए जीते। सुशील शो में आने से पहले मनरेगा में 6000 रुपए प्रति माह की नौकरी करते थे। बच्चों को कंप्यूटर सिखाने वाले सुशील कुमार ने जब ये बड़ी जीत हासिल की तो उन्हें बेहतरीन पॉपुलरिटी हासिल हुई थी। सुशील रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गए थे। हालांकि ये फेम ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, वो अपने पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। जीती हुई रकम के आधे पैसे सुशील ने छोटे मोटे बिजनेस करके गवा दिए। बाद में फिल्म बनाने का सपना लेकर सुशील दिल्ली पहुंचे, लेकिन वहाँ भी असफल रहे। उसके बाद अब सुशील बिहार की एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर रहे हैं। सुशील 5 करोड़ रुपए जीतने वाले पहले विजेता थे।
आज वो आम जिंदगी जी रहे हैं। सुनमित कौर सुशील कुमार के बाद 5 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट जीतने वाली पंजाब की सुनमित कौर केबीसी के 6वें सीजन की प्रतिभागी थी। सुनमित के पास फैशन डिजाइन की डिग्री थी, हालांकि उनके ससुराल वालों ने कभी उन्हें इसमें करियर बनाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने एक टिफिन सेंटर भी शुरू किया था, लेकिन बुरी तरह से नुकसान में रहा। घर चलाने के लिए सुनमित ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जहां से उन्हें काफ़ी नॉलेज मिला। शो में 5 करोड़ रुपये जीतने के बाद सुनमित ने फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई पूरी कर अपनी फैशन ब्रांड मुंबई में शुरू की, जिससे वो आज भी जुड़ी हुई है। ताज मोहम्मद रंगरेज कौन बनेगा करोड़पति के 7वें सीजन के पहले करोड़पति राजस्थान के उदयपुर में रहने वाले ताज मोहम्मद रंगरेज एक हिस्ट्री टीजर है। कबाड़ी से लेकर करोड़पति बनकर एक इतिहास रचा था। शो में जीती हुई राशि से उन्होंने अपनी बेटी की आंखों का इलाज करवाया। घर खरीदने के साथ साथ ताज ने 2 अनाथ लड़कियों की शादी भी करवाई। शो जीतने के बाद ताज ने कहा कि लोगों का उन्हें देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। अब लोग उन्हें करोड़पति रंगरेज कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, करोड़पति इतिहास के सबसे बड़े करोड़पति अचिन नरूला और सार्थक नरूला। दिल्ली के भाइयों की जोड़ी अचिन नरूला और सार्थक नरूला ने केबीसी के 8वें सीजन में 7 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट जीता था। ये केबीसी के इतिहास का सबसे बड़ा विनिंग अमाउंट था। दोनों शो में आने के लिए पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे थे, जो मौका उन्होंने 2014 में मिला था। दोनों ने जीती हुई राशि से अपनी मां के कैंसर का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और बचे हुए पैसों से एक बिजनेस शुरू किया। दोनों का करोड़ों का टर्नओवर है। दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये है अनामिका मजूमदार। केबीसी 9 में पहुंची झारखंड के जमशेदपुर की अनामिका मजूमदार ने शो में 1 करोड़ रुपए जीते थे। अनामिका एक सोशल वर्कर है और एनजीओ चलाती है। शो जीतने के बाद अनामिका ने जीत की रकम का इस्तेमाल अपने एनजीओ और ज़्यादा बेहतर बनाने में किया। अनामिका आज भी एनजीओ के जरिए समाज सुधारक का कार्य कर रही है। विनीता जैन कौन बनेगा करोड़पति के 10वें सीजन में असम की विनीता जैन ने अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट में जगह बनाई। विनीता ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती थी। जीती हुई रकम से विनीता ने अपने परिवार की स्थिति बेहतर बनाई। शो में अपने नॉलेज का परिचय देने वाली विनीता फिलहाल गुवाहाटी के एक कोचिंग सेंटर में टीचर है। 11वें सीजन में केबीसी में 4 करोड़पति बने थे। पहले करोड़पति बिहार के सनोज राज थे, फिर अमरावती महाराष्ट्र की बबीता ताड़े, फिर बिहार के गया जिले के अजीत कुमार और बिहार के ही गौतम कुमार झा सहित सभी ने 1 करोड़ रुपए की राशि जीती थी। सीजन 12 कौन बनेगा करोड़पति। रांची झारखंड की नजिया नसीम, हिमाचल प्रदेश की मोहिता शर्मा, मुंबई की डॉक्टर नेहा शाह, छत्तीसगढ़ की अनुपमा दास, ये 4 महिला कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन की महिला करोड़पति बन चुकी थी। इनमें से आज नजिया नसीम दिल्ली में, मोहिता शर्मा फिलहाल जम्मू कश्मीर में एएसपी पोस्ट पे काम कर रही है और अनुपमा दास गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। 13वें सीजन में 2 करोड़पति बने, जिसमें आगरा की हिमानी बुंदेला और छतरपुर के साहिल अहिरवार ने 1-1 करोड़ रुपए जीते थे। दोनों ही सामान्य परिवार से थे। साहिल इन दिनों सागर में एक कमरे के मकान में रहकर अपना जीवन बिता रहे। केबीसी में 1 करोड़ जीतने के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आगरा के राजपुर चुंगी निवासी हिमानी बुंदेला की दोनों आंखों की रोशनी कमजोर होने के बाद भी करोड़पति बनने का इतिहास रचा था। केबीसी सीजन 14 को सबसे पहले महाराष्ट्र कोल्हापुर की कविता चावला ने करोड़पति के इस खिताब को अपने नाम किया था। इस सीजन की वो पहली महिला थी जिन्होंने 1 करोड़ की रकम जीतकर अपने नाम किया था। दिल्ली के शाश्वत गोयल 1 करोड़ की धनराशि जीतकर 7.5 करोड़ के सवाल पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने गेम छोड़ दिया था।
जसकरण सिंह पंजाब के जिला तरन तारण के बॉर्डर एरिया के गांव खलड़ा का रहने वाले है और वर्तमान में चल रहे कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के 15वें सीजन में 1 करोड़ रुपए जीतने वाले पहले प्रतिभागी है। जसकरण सिंह एक बेहद छोटे परिवार से आते हैं। जसकरण के पिता कैटर का काम करते हैं, उनके दादाजी छोले भटूरे के बेचते हैं और उनकी दादी किराने की दुकान चलाती है। केबीसी 15 सीजन में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जसनील कुमार ने 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि वाले 15वें सवाल की सही जवाब देकर करोड़पति बने हैं। जसनील पेशे से एक फैशन रिटेल स्टोर में मैनेजर थे, अब ये दोनों बढ़िया शानदार जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें और साथ ही कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।